बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। स्वामी नारायण आरंभाम यज्ञ पुरुष मध्यमाम महंत स्वामी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्वस्ति तिलकम्। अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकणबंधनम्। हरिः ॐ जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीका यसुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युग्मांजरदष्टिर्जथा सम्मा। अथ संकल्पः। अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चम्मच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे। नमः परमात्मने श्री स्वामी नारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्य भूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिरे महाशुभस्थाने अशीत्यधिक द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्लपक्षे शुभ पुण्यतिथौ पंचम्यां तिथौ बुधवासरे रेवती नक्षत्रे शुभ योगे कौलवकरणे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वरूपं महंत स्वामी महाराजानां भारतवर्षस्य मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयानां च सन्निधौ मम तथा च आत्मनः एतन्मन्दिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शान्ति सौमनस्य सौहार्द संपादनार्थं भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे सर्वेषां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं अक्षर पुरुषोत्तम महाराजः श्री राधा सहितः भगवान श्री कृष्णः पद्मावती सहितः भगवान श्री निवासः श्री सुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान श्री जगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान श्री शंकरः श्री हनुमल लक्ष्मण सीता सहितः भगवान श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धि मूर्ति गुरुवर्य शास्त्रीजी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत स्वरूपाणां अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये।
वैदिक संकल्प के बाद दीजिए, अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है। यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय।
श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणाधितानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि ही। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरि ओम जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम स्वामीनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए महंत स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान बीएपीएस के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं। महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है, तो उसके ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है।
और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं। ॐ श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीन झीमूत समान वर्णम् रत्नोल्लसत् कुंडल शोभिकर्णम् महाकिरीटाग्रमयूरपर्णम् श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहां खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहां मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि